पुलिस वाले घर पे आ गए थे, मैं बोली कि जेंट्स घर में नहीं है, बस मेरे हस्बैंड सोए, तो वो घर में घुस के मारे और लोमाझोमी करके मेरे आदमी को गिरा दिए। कल 12 तारीख को कपिल नगर पुलिस थाने में नागपुर ग्रामीण यूनिट की देवलापुर पुलिस थाने से एक टीम वहां के एक अपराध क्रमांक 179/22 के इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को ढूंढते ढूंढते कपिल नगर की जुरिस्डिक्शन में पहुंची और उन्होंने यहां से लोकल स्टाफ की मदद लेके उस आरोपी के सर्च के लिए वो रवाना हुए। आरोपी का सर्च करते करते वो आरोपी के जो रहने वाले जहाँ पे वो रहते हैं उस बिल्डिंग में पहुँचे। उस बिल्डिंग में पता करते करते वो लोग 3-4 मंजिले तक पहुँचे। इतने में वहाँ पे एक व्यक्ति ने छलांग लगा के अपने आप को इंज्योर किया, ऐसे उनको समझ में आया। बाद में इनको पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिनका ये सर्च कर रहे थे। फिर वो मैं नीचे गई भागते हुए, तो उतनी देर में पुलिस वाले भाग गए, देखे भी और भाग भी गए तुरंत। मैं 2 घंटे घूमते रही और कोई नहीं मिला मुझे ऑटो में जाने वाला। फिर मेरे एक मामा आए, उनको फ़ोन करके बुलाई, तो मेरे मामा आए तो वो लेके गए। ऐसा नहीं है, वहाँ की वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ मौजूद थी उन्होंने उसको व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद की थी। नहीं, पुलिस वाले आए वो जैसे ही उतर गए, गैलरी में से पुलिस वालों ने मारे, पुलिस वाले ने धक्का दिया। हाँ, ऐसे उधर मुड़ी से मारे तो वो गिर ऐसे कूद गए। अच्छा, वो कूदे? नहीं, पुलिस वाले ने धक्का दिए थे, मारे थे। अच्छा। लोमा झूमी हुई थी। अच्छा, तो पुलिस वाले मारे थे, वो गिर गए, तो नीचे देखे तो भाग गए थे पुलिस वाले, छोड़ के भाग गए। हाँ, भाग गए थे। कितने पुलिस वाले आए थे? बहुत सारे थे। तो भी अंदाज कितना होगा, 15-20? नहीं, 7 थे वो। 7 पुलिस वाले थे? 6-7 थे। उस व्यक्ति का नाम शेख इमरान शेख इरफान, और उसको हॉस्पिटल में कल दाखिल किया गया था अंदाजे 3-4 बजे दोपहर के, और आज सुबह उनकी उपचार के दरमियान मौत हो गई। इंसाफ चाहिए मुझे बस। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को, उनकी फैमिली मेंबर्स को किसी भी प्रकार का अगर उनके खिलाफ, उनके काम के खिलाफ कोई आक्षेप था या कंप्लेंट है तो डेफिनेटली वो दे सकते हैं। इसमें डेफिनेटली जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी मिलते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। हम यहाँ के नागरिक है, बस्ती के नागरिक है। यहाँ पे जितना भी क्राउड दिख रहा है ये सब बस्ती के नागरिक, इनके लिए आए हैं और इनके घर में कमाने वाले अकेले थे। आज पुलिस अगर किसी को पकड़ने जाती है तो उसको पकड़ के लेके जाती है। अब वहाँ धक्का धुक्की, हम तो वहाँ पे जगह पे नहीं थे कि हमको पता चला पुलिस ने धक्का दी क्या, कैसे गिरे, हमको हादसे का नहीं मालूम। मगर हमको ये मालूम है अगर किसी घर में जब जाया जाता है तो लेडीज़ पुलिस पुलिस के साथ होना चाहिए। यहाँ पे कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। पुलिस जब रेड मारने जा रही है तो फैमिली होती है, तुम फैमिली में घुस के धक्का धुक्की किए, धक्का धुक्की करने के बाद में तुमने गिरा दिए, चलो नहीं तुमने गिरा तो तुम्हें एक इंसानियत का पैगाम होता है। आप वो जो भी आपके हिसाब से आरोपी थे, जो भी थे, आप उनको कम से कम हॉस्पिटलाइज तो करते, आपने हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए। आज हम तमाम बस्ती वाले नागरिक यहाँ पे खड़े हैं, आज भाभी के साथ में, आज हमारे अंकल है जो इनके साथ में, इनके घर में कमाने वाले सिर्फ एक ही थे। हम तमाम लोग बस्ती के नागरिक ये कहना चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले, इन्हें मुआवजा मिले। और पुलिस का ये कहना है कि हम तुमको कोऑपरेट नहीं कर सकते, जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक हम डेड बॉडी यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। अभी डेड बॉडी आ रही है, हम डेड बॉडी यहाँ रखेंगे। आज हम इनको मुआवजे के लिए, हम तमाम बस्ती वाले यहाँ पे खड़े हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनको मुआवजा मिले।